गुजरात में आज रोड शो और रैलियों का रविवार है। विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर के प्रचार के लिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूबे में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को समर्थन देने वाले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने सूरत में रोड शो किया। इस दौरान हार्दिक ने आरक्षण को लेकर राज्य सरकार को अपने निशाने पर लिया, साथ ही नोटबंदी और GST को लेकर केंद्र सरकार को भी घेरा। पाटीदारों को पटाने के लिए हार्दिक पटेल आज सूरत की सड़कों पर निकले। इस दौरान हार्दिक पटेल ने कांग्रेस के लिए पाटीदारों का समर्थन मांगा। हार्दिक ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही पाटीदारों के आरक्षण की मांग को पूरा करेगी, जबकि रूपाणी सरकार ने पाटीदारों की आवाज को दबाने का काम किया, लेकिन हमारा ये विरोध अब BJP के लिए गले की फांस बन गया है, इसलिए BJP भी पाटीदारों पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। हार्दिक पटेल ने रूपाणी सरकार से कहा कि आप आज हमें हमारा अधिकार दे दो, हम कल ही घर पर बैठ जाएंगे, लेकिन हमें जब तक हमारा हक नहीं मिलता तब तक हमारी आवाज दबने वाली नहीं है। आपको बता दें कि पाटीदारों के लिए आरक्षण की आग भड़काने वाले युवा नेता हार्दिक ने कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया है, जिसके बाद से ही हार्दिक पटेल अपने साथ साथ कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, साथ ही BJP पर पूरी तरह से हमलावर हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।